हेलो क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो आज हम जर्मनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, सो ऑन द साइड्स ऑफ एशवेंडन, लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री। लोस गेट्स। ब्रांडनबुर्गर टोर 1788-1791 के बीच बांधा गया था। बर्लिन सिटी का अगर आपको पता होगा तो ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सिर्फ बर्लिन का ही नहीं, जर्मनी का भी ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे बंधवाया था पर्शिया के राजा ने, फ्रेडरिक विलियम टू ने। इसका ओरिजिनल नाम पीस गेट था और ये थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़े सालों के लिए, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन और जर्मनी को डिवाइड करता था। पर अभी इसे पीस आइकन भी बोलते हैं। तो जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब हार गया था, तभी बर्लिन और जर्मनी ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड हुए थे। मैं बता दूं, जो ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वो एलिस और एक्सिस कंट्रीज के बीच में हुआ था। अभी अलाइज कंट्रीज में आते हैं यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड वॉर जीते थे, और एक्सिस कंट्रीज में आते हैं जापान, इटली और जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर हार चुके थे। तो जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था तो इनिशियली उसके चार टुकड़े हुए थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। तो ऑब्वियसली इसे अलाइज कंट्रीज ही कंट्रोल कर रहे थे। बाद में यूएस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइट कर दिया था और वो बन गया वेस्ट जर्मनी, और जिस पार्ट को सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रहा था वो बन गया ईस्ट जर्मनी। तो बाद में जाके इसके दो डिविजन्स हुए थे। सिर्फ जर्मनी नहीं, बर्लिन को भी ईस्ट और वेस्ट पार्ट में तभी बांटा गया था। सिर्फ देश ही नहीं डिवाइड हुआ था, लोगों की फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स कुछ ईस्ट में थे, कुछ वेस्ट में थे, ये इनकी भी डिविजन्स हुई थी। तो ये सिचुएशन थी उस वक्त की। सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, इकोनॉमी काफ़ी सेंट्रलाइज थी, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। प्राइवेट सेक्टर्स को वो अलाव नहीं करते थे, गवर्नमेंट का काफ़ी दबदबा था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को वहाँ के कम्युनिस्ट एरिया में रहना पसंद नहीं था। ऑन द अदर हैंड, वेस्ट बर्लिन और जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी अच्छी थी वहाँ की। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जाने लगे इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाय 1961, मतलब 1961 से पहले 4 मिलियन ईस्ट जर्मन्स वेस्ट जा चुके थे। तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात हो गई थी ईस्ट जर्मनी के गवर्नमेंट के लिए। इसलिए सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीक्रेटली एक बर्लिन मावर, मतलब बर्लिन वॉल बनाने का डिसीजन लिया। तो बर्लिन वॉल बना दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया था वहाँ पे, सैनिक वैनिक तैनात कर दिए थे, वायर की फेंसिंग लगा दी थी, नीडल्स ग्राउंड में बड़े बड़े इंजेक्ट कर दिए थे, तो अगर कोई जाना भी चाहेगा तो मारा जाएगा। तो इसी मूवमेंट में 372 मारे गए थे, उसमें महिलाएं भी थी। लोग ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बनाते थे, पता नहीं कुछ क्या क्या करते थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे जा रहे, कुछ बच जाते, कुछ पकड़े जाते और कुछ मारे जाते। तो 1961 में मावर बनाया और 1989 में आई थिंक लोगों के द्वारा ही इसे तोड़ा गया था। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, किसने पहल की थी, क्या हुआ था उस टाइम पे, यू कैन गूगल इट। तो लोगों के द्वारा इसे तोड़ा गया था एंड ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन और जर्मनी फिर से रीयूनाइट हो गए। तो इस मूवमेंट को, इस इवेंट को द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल भी बोलते या फिर द बर्लिन वॉल फॉल भी बोलते, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री, और पता भी होनी चाहिए क्योंकि हम ये भाषा सीख रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर हॉइट। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। विलन डांक फिट सुशावन ऑफ विद द ज़ेन।